कोरोना महामारी को लेकर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन का फैसला लिया। वहीं कोरोना की महामारी न फैले इसके लिए कड़े कानून भी बनाए गए, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर जिला अस्पताल में जो व्यवस्था है वह काफी गंभीर स्थिति में है। यह यूं कहा जाए कि जिला अस्पताल खुद इन दिनों आईसीयू में है। कोरोना को लेकर ना तो जिला अस्पताल का कोई कर्मचारी और ना ही कोई अधिकारी समय पर इसके लिए उपस्थित होता है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो तस्वीर हमारे पास है उनसे तो ऐसा ही लगता है। हुआ यूं कि जामनेर से कोरोना के सैंपल लेकर एम्बुलेंस गुना जिला चिकित्सालय पहुंची, लेकिन सैंपल दिए नहीं। रविवार की रात को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस में बैठकर शराब पी रहे हैं। जैसे ही पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो उन्हें देखकर एक व्यक्ति वहां से भाग निकला, जबकि एक अन्य व्यक्ति जो खुद को एम्बुलेंस का ड्राइवर बता रहा था वह वहीं रह गया। उक्त व्यक्ति ने जमकर शराब पी रखी थी। पुलिसकर्मियों को वहां से शराब की बोतल भी मिली। तफ्तीश करने पर पता लगा कि उक्त एम्बुलेंस में जामनेर से कोरोना के सैंपल आए हुए हैं। इस बात की जानकारी जैसे ही ड्यूटी पर मौजूद महिला कर्मियों को लगी तो वह तुरंत गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी में देखकर सभी दंग रह गई। उक्त गाड़ी में कोरोना के सैंपल मौजूद थे। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उक्त एम्बुलेंस में 6 सैंपल आए थे, लेकिन मौके पर 2 ही मिले, जिसके बाद सैंपल को जांच में लिया गया। इस मामले में जब हमने स्वास्थ्य अधिकारी से बात करना चाही तो ना ही उन्होंने फोन उठाया और ना ही अपने कार्यालय में मिले। जब सिविल सर्जन से बात की तब उन्होंने 6 सैंपल होने की बात को सिरे से नकार दिया, साथ ही पूरे मामले पर पर्दा डालते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह गंभीर लापरवाही नहीं है, जिस पर कोई सही जवाब नहीं दिया गया, साथ ही सारे मामले को उन्होंने इतना महत्वपूर्ण भी नहीं समझा। सारा देश स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के भरोसे पर है, और अगर स्वास्थ्य कर्मी शराब के नशे के चलते इस तरह की लापरवाही करते हैं तो कैसे काम चलेगा। वही सवाल यह उठता है कि जो सैंपल आए हुए थे उनमें से यदि किसी का कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है और शराब के नशे में एम्बुलेंस का ड्राइवर कुछ गलती कर बैठता है तो इसका परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। तीन कागज होने चाहिए ना, बता रहा हूँ पेपर तो दो इसलिए है ना, पेपर और दे ना तो बच्चा नहीं है ना, पेपर और होंगे तो दोगा ड्राइवर तो भागो सूर्य कुमार भागो जा तू नहीं तो मेरे लिए गोल लेके आती जिनकी व्यवस्था बना है आज पी है वो जीनियस रखे हैं आज पी के पावर में तो आज सोचा करो तू बोल की का करे हो गई वो हमेशा ऐसे ही बोलते हो कागज और नहीं है कागज और नहीं है दादा कागज देना जरूरी है। आराम दो दे सैंपल 6 दे रहे हो कागज लेंगे तभी तो लेंगे बियर कैसे ले बताओ गाड़ी में वापस रख नहीं पाल में नहीं होंगे रिसीव यार नहीं करेंगे ना बिना कागज पूरे चाहिए यार कैसे रख लें यार फोन लगा कुछ कागज कहाँ है जिनने भेजे लेंगे नहीं वो मैडम ने भोपाल में नहीं लेंगे वे सैंपल भोपाल जाते हैं गुना में नहीं होने टेस्ट हैं क्यों कितने हैं 6 सैंपल लेके आओ 3 तो कागज दे रहा जो भी है बस इतने हैं तो तीन एक रोज भी क्या है वाइट वाला बॉक्स नहीं खाली अपन ही देख लो कितने की है देने होंगे जैसे कागज दे रहा होते हैं देने हो से नहीं है कुछ चेक ही किया नहीं देख लो कितने की भरम दो दे रहा हूं अपने फार्म कितने तीन तो ये क्लियर ही है जाम होंगे डिब्बा में देखिए खाली है ऐसे ही रख रहा हूँ हाँ तो भाई कागज चाहिए हमें सैंपल चाहिए नाम लेके देखना दीपक दिया उसने कागज तो पूरे मिले कैसे रख लगे भोपाल का भेजे सैंपल में नाम है वो सैंपल में नाम सैंपल छह बता रहा हूँ फार्म दो दे रहा हूँ यार तो बस बाकी ये जानेगा ना सैंपल पे लेके हाँ टोनी का एक ये हो गया एक और देते एक और दे दारू पीने कल गिरवी रख के आए होंगे ये जब आप देते फिर आप नहीं छू चांसा हाँ दोनों और ये दो किसके हैं ये दोनों किसके हैं इनमें देखने इनमें नाम है क्या जिनमें कागज हैं भी रख लो जो अपने बस बाकी वापस कर दो बाकी वापस कर दो जो अपने काम के नहीं है कागज ज्यादा है वो ले ले इनमें नहीं अरे उसमें क्या कितने नाम है उसमें दो ही हैं बस तो दो ही रख लो बाकी और मतलब बस बाकी तो भी दो रख ले हटा दो जिनके कागज हैं भी रख दो पास पकड़ लेवल के हैं क्या
लेबल है क्या ये दो पॉलीथिन वाले? पॉलीथिन वाले में नहीं है ना, नाम नहीं लिखे ना, कैसे समझ आएगा कि कौन सी शीशी में लिखे के देखा ना। मेजमान तो ऐसे ही भगते हैं, इनसे ही चेंट रहा है। क्यों कहाँ से लेके आए थे सैंपल? है जाम में। जोर से बोल थोड़ा। जाम में। तो उतारे क्यों नहीं इसमें से? तो दारू कौन पी रहा था इसे? दारू दारू की बाटल डली है जी। दूसरे लोग पी रहे थे। जी खुद पी रहा दारू। इसमें दारू कहाँ से आ गई? तुमको दारू मिली कहाँ से? यहाँ दो सैंपल आए थे और जब हमने बाद में उन लोगों से जानकारी हासिल की तो बाद में दो सैंपल होना ही उन्होंने बताया। तीन वायल उसमें जो है वो वायल आ गई थी जिसमें कि उन्होंने सैंपल नहीं लिए थे। लेकिन जानकारी के अनुसार सर वो छह सैंपल बता रहे हैं। नहीं, हमारे पास से छह सैंपल नहीं आए, दो सैंपल आए। तीन वायल वो थी कि जिनके अंदर सैंपल नहीं लिए गए थे। दूसरी बात ये है सर कि स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी उस गाड़ी के साथ में मौजूद नहीं था। ये जामनेर वालों ने ये भेजी थी, ये उनकी जिम्मेदारी थी, उन्हें भेजना था। अच्छा, फिर तीसरी बात ये है सर कि जो ड्राइवर था वाहन चालक एम्बुलेंस का, उसमें दारू भी रखी थी और उसमें वाइन के क्वार्टर भी थे मौजूद वीडियो में? नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है इन सब चीज़ों की, क्योंकि ये एक गंभीर बीमारी है आप भी जानते हैं उन चीज़ों को लेके, तो एक जिम्मेदार व्यक्ति साथ में होना चाहिए। इस तरह की लापरवाही काफ़ी बड़ी लापरवाही। बिल्कुल गंभीर बीमारी है और जामनेर के बीएमओ को ये चाहिए था कि उसके साथ किसी समझदार व्यक्ति को भेजना चाहिए था। तो आप मानते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लापरवाही हुई? नहीं, ये इस संदर्भ में मैं नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने किन परिस्थितियों में यह भेजा। इसके संदर्भ में अगर आपको पूछना है तो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से आप।